वेलकम बैक टू माय चैनल बिपनिक लाइफस्टाइल। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत सही है। और अभी ना हम लोग बनाने वाले हैं इंस्टेंट केक। तो मैं ना बैठे बैठे सोच रही थी कि क्या करूँ, कुछ खाने का भी मन कर रहा है और दिमाग में कुछ आ भी नहीं रहा था कि कुछ अच्छा बनाऊँ करके। लेकिन फिर झट से मेरे दिमाग में आया कि मैं ना केक बनाती हूँ। और मैंने अपने भाई को भेज दिया मार्केट, और मार्केट से उसको लाने के लिए कहा 5 बिस्किट का पैकेट। तो ओरियो वाला बिस्किट है और एक इनो का पैकेट। मैं जब स्मार्ट पॉइंट पे जाऊंगी ना, तब मैं बेकिंग सोडा लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेकिंग सोडा। तो पता नहीं गड़बड़ हो ही जाता है मुझसे, हर बार गड़बड़ हो जाता है, तो थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। चलो बनाते हैं अभी फटाफट से हम केक। तो पहले ना हम बिस्किट को क्रश कर लेंगे, और फिर हम इसको इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। तो हमारे पास थोड़ा सा ही दूध है, तो हम उतने से ही हो जाएगा। आधा कप था हमारे पास दूध, तो फिर उतने में ही बहुत है। और अगर कम पड़ जाता तो फिर मैं इस पर थोड़ा बहुत पानी भी मिला दूँगी, अगर कम पड़ गया तो वैसे बहुत अच्छा बना। देखो काफ़ी अच्छा ना मैं मिक्स हो रहा है, फिर भी मुझे थोड़ा लगा कि दूध कम है, तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। और इसको अच्छी तरीके से हम घोल लेंगे, मिला लेंगे। और इधर है नमक, तो हमारे पास ना माइक्रो ओवन है नहीं, तो इसलिए हम लोग देसी जुगाड़ कर रहे हैं। कढ़ाई के अंदर डालेंगे हम नमक और एक स्टैंड, तो इसको हम लोगों ने ना हीट करने के लिए रख दिया है। और इधर मैं डाल रही हूँ लास्ट में इनो, तो इनो मैं लास्ट में इसलिए डालूँगी क्योंकि झट से हम लोग उसके अंदर डाल के फिर हम हमारे कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। तो देखो जब हमने इनो को डाला ना, तो इसमें एक फ्लपी टाइप का बन गया था। और अभी हम एक बाउल ले लेंगे और उसमें हम लोग ना थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। मेरे बटर नहीं था तो फिर मैंने रिफाइंड ऑयल लगाया, जो बहुत टाइम से हम लोग उस ऑयल को यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैस हो गया था। इसको मिक्स करो क्योंकि उसके अंदर ना उस बाउल में पानी भी था, पानी और तेल मिक्स होके एक अलग ही टेक्सचर का आ गया था। और इधर मैंने एक बाउल में डाल दिया है, और इधर हमारा कढ़ाई जो है गर्म हो गया है। और अभी मैं इसको डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर और अब ढक देते हैं। अब मैं 5-5 मिनट के बाद आके चेक करूँगी। और मैंने इधर से चॉकलेट मंगवाया है गोपी से, क्योंकि मेरे पापा का केक का शॉप है, लेकिन फिर भी मैं केक बना रही हूँ घर पे, सोचो। तो इधर जो है ना, मैं अभी चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए रखा है गर्म पानी में। अब हमारा केक बन के रेडी हो गया है, और देखो मेरे भाई ने सत्यानाश कर दिया है पीट पीट के, तो उसको पीटना नहीं था, उसके अंदर लग गया है। फिर हम लोग ना तो हम लोगों ने मिलके इसको सेट कर दिया था, एक सर्कल का शेप बनाया था हम लोगों ने। और इधर मेरे भाई का जो चॉकलेट है वो तो एकदम मेल्ट ही नहीं हो रहा था, ऊपर से बड़े मेहनत से मेल्ट हुआ, ऊपर से ये स्प्रेड नहीं हो रहा था ऊपर से, और बहुत बुरा लग रहा था मुझे। मैंने कहा यार दे, जैसे भी वो पेट में ही जाएगा। ऊपर से हम लोगों ने ये थोड़ा चॉकलेट छिड़क दिया, और काफ़ी अच्छा सा लुक दे रहा था। मुझे नहीं लग रहा कि अच्छा लुक दे रहा होगा, जैसा भी है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा यम्मी बना था। ओरियो बिस्किट का केक है तो बहुत मज़े का बनेगा। और ये गाइस इतना सॉफ्ट बना था कि केक हो ही नहीं रहा था। फिर देखो ये केक के ऊपर सब लोग कैसे टूट पड़े थे, बहुत मज़े का बना था केक। और आप सबको ये ब्लॉग कैसा लगा बताना ज़रूर। अभी के लिए बाय बाय।